हेलो गाइस, क्या हाल आपका। मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने सोचा आयरन मैन स्पॉइलर रिव्यू के ऊपर एक वीडियो बना ही देते हैं। तो हाँ, इससे पहले मैंने दो वीडियोस बना दी हुई आयरन मैन के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लें, फिर ये देख लेना। और अगर आपने लाइक मूवी भी नहीं देखी तो अभी ये ना देखना, स्पॉइलर फ्री रिव्यू देख लें ताकि आपको पता लग जाए मूवी कैसी थी और मूवी देखना चाहिए कि नहीं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बात करना कैंग से। यस, वो ही इसका विलेन है और वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने लाइक इसकी जितनी तारीफ करनी थी वो इसके स्पॉइलर फ्री वाले रिव्यू में कर दी, और अब मैं इसकी तारीफ कम और इसके बारे में ज्यादा बात करूंगा। लाइक इन्होंने किस तरह अच्छे तरीके से एंडमैन की स्टोरी के साथ कैंग की स्टोरी आपस में मैच की है, लिखी है, वो बहुत कमाल थी। जिस तरह वो लिखा है कि कैंग वहां पे पहुंच जाता है और कैंग को किसने वहां पे भेजा, उसी के वेरिएंट्स उन्होंने इसको भेजा था और वो जेनेट को जाके मिला। जेनेट ने उसकी जान जून बचाई और फिर पता लगता है कि उसकी एक कुर्सी थी जिसके साथ वो क्रैश करता है इधर, की जो कुर्सी थी वो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती थी। लाइक टाइम ट्रेवल नहीं, वो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती थी और उसे खराब कर दिया था। जब वो जेनेट और कैंग दिमाग लगा के, पता नहीं कितने दिन लगा के, सालों लगा के सही करती हैं, तो तब पता लगता है कि उसकी जो चेयर थी वो उसके दिमाग से चलती है। और जैसे ही जेनेट उसको हाथ लगाती है तो उसे पता लगता है कि ये एक अच्छा इंसान ही शैतान है। उसे बस यही लगता है कि वो उधर से बाहर निकाल देगा, मगर वो वक्त में पीछे जाने की बात कर रहा था। लाइक वो कहता है कि मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। कितना कमाल सीन था, सोचो। लाइक वो ये कहता है कि मैं एक टाइमलाइन बनाने लगू, जो कि ह्यू रिमेंस ने किया था, उसने एक टाइमलाइन बना दी थी और बाकी इन सबको फेंक दिया था। लाइक वो ये वाला काम करने लगा था, बाकी किसी कैंग से काम नहीं हुआ था। और यहाँ बीच में ये भी कहता है कि तुम्हें नहीं पता उन्होंने मेरा सब कुछ छीना है, तो वो अब क्या है वो आगे वाली मूवीज आने में ही पता लगेगा। और जिसने सोचा इस मूवी के एंड में कैंग मर गया तो अभी ये ना सोचो। हाँ, मुझे पता है लाखों करोड़ वेरिएंट्स हैं जो कि एंड क्रेडिट सीन में दिखा भी दिए हैं, मगर उसके बारे में एक अलहदा से वीडियो में बात करेंगे। एंड क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन के अलहदा वीडियो आएगी। और हाँ, जिसको लग रहा है कि ये मर गए लाखों करोड़ वेरिएंट्स हैं, तो नहीं, इतनी जल्दी नहीं मरता कैंग। अभी तो उसको दिखाया है कि वो सबसे पावरफुल था, एक सबसे पावरफुल ने काफी हद कैंग्स के वेरिएंट से पावरफुल था। लाइक कोई भी इसे मार नहीं पाया, तब इन्होंने उसको इधर भेज दिया क्वांटम रियल में ताकि वो कुछ ना कर पाए। तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो एंडमैन से मर जाएगा, हालांकि उसने लाइक एंडमैन को वो मुंह पे कहता है कि तुम वो थोड़े वाले जिसको मैंने मार दिया था। नहीं, तुम वो नहीं हो, ठीक है, तुम्हें मैंने पहले कभी ना कभी मारा होगा, इतनी दफा मारा है, ये शक्लें याद नहीं है, लाइक स्वैग लेवल। और हाँ, इससे फिर जेनेट की, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि एंट मैन की स्टोरी और कैंग की स्टोरी किस तरह मैच की थी, वो तो वो ये सुनो, जब जेनेट को पता लगा उसके बारे में, फिर जेनेट भागी और जेनेट वापस बाहर आ गई। उसके बारे में इसने किसी को बताया नहीं था, लाइक कैंग के बारे में उसे पता था, लाइक कैंग के बारे में उसे पता था था, मगर कैंग के बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। और जब वो जब कैसी डिवाइस बनाती है तो उससे वो गुस्से में आके कहती है बंद करो इसे, मगर तब देर हो जाती है और वो अंदर चले जाते हैं, मगर तब भी वो डरती रहती है कैंग के बारे में। और सारे अंदर एक हाइप बना रहे होते हैं कि वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, कॉन्करर आ जाएगा, कैंग आ जाएगा। और जेनेट भी उससे डरी होती है, वो लाइक सारे लोग जेनेट को जानते हैं और कहते हैं अगर जेनेट यहाँ पे है तो बहुत खतरा है, उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हाँ, तो कुछ जेनेट के दुश्मन भी हैं और कुछ लोग जेनेट के साथ भी हैं। और हाँ, मर्डोक के बारे में मैं लाइक बात करना चाहता हूँ, लाइक मैं इसके बारे में बात करना चाहता था कि मार्वल ने इसके साथ किया क्या है। आई एम डिसअपॉइंटेड अबाउट मर्डोक के बारे में, क्योंकि मर्डोक के बारे में इन्होंने किस तरह कनेक्शन जोड़े, लाइक एंटमैन वन से कनेक्शन जोड़ा, जब येलो जैकेट क्वांटम रियल में घुस जाती है तो वो उसका मतलब शरीर छोटा हो जाता है और सर बड़ा हो जाता है, फिर वो जाके कैंग को मिलता है और कैंग उसको सूट वगैरह देता है। वो सीन लाइक फनी भी था और मजेदार भी था, लाइक उसका कैरेक्टर ही पूरा फनी था, जिस तरह उसको डेथ दी और वो, मुझे समझ नहीं आया लाइक या वो पहले पार्ट में लाइक विलन लगता था कि हाँ वो दुश्मन है, और इस पार्ट में लाइक उसको तो मतलब मजाक ही बना के रख दियो, एक और कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया। लाइक मर्डोक का कैरेक्टर इतना पोटेंशियल रखता था कि वो कैप्टन अमेरिका को या आयरन मैन तक को ऐसे मार सकता था, अगर वो अभी जिंदा होता और यहाँ से बाहर निकलता तो बहुत कुछ कर सकता था, मगर उसको एक इमोशन दे दिए कैरेक्टर को, लाइक पहले वो कोई इमोशन नहीं रखता था, बदला चाहता था, मगर बाद में कैसी उसको सिर्फ 5 सेकंड के लिए समझाती है और वो फिर जितना भी दुश्मनी थी वो सारा कुछ भूल जाता है और वो कहता है मैं तो हीरो था और फिर वो मर जाता है। लाइक क्या ही चीज थी, उसको मारना भी नहीं चाहिए था। लाइक वो मैं तो चाहता था क्वांटम रियल से बाहर निकले, तभी मजा आता। और हाँ, कैंग के बारे में एक और बात करना चाहता हूँ, जब वो एंडमैन को कह रहा था तुम मेरे बात मानो, ये जो कैसी है मैं इसको मारूंगा और फिर तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम पागल नहीं हो जाओगे और मेरे से माफिया नहीं मांगोगे। लाइक वो फील तो होता है, मगर मैं वो देखना चाहता था कि वो कैसी को इतनी दफा मारता, लाइक उसके पास टाइम की पावर है। इस मूवी में दिखाई नहीं हुई टाइम की पावर, बस उसको 2 सेकंड के लिए टाइम की पावर यूज करते दिखाया था, जो वो जेनेट को रोकता है और जब
वो कहता है कैसी को मैं इतनी दफा मारूंगा, तो वो मारते मैं देखना चाहता था, लाइक एक दो दफा तो मारे या तब तक तो मारे जब तक जो एंड में था वो माफिया मांगता और तब डरता उससे कि ये क्या चीज है और फिर मैं उसके लिए काम करूँ। और लाइक वो जो क्रिस्टल का सोचा हुआ था कि क्या एंड मैन ही क्यों मदद कर सकता था वो, और वो बहुत कमाल, लाइक वो वाकई में कमाल था। हमने उस तरह सोचा भी नहीं था कि वो क्रिस्टल ही उसको चाहिए था और वो जेनेट क्रिस्टल बड़ा कर देगी, एंड पे क्रिस्टल छोटा कर देगी। क्रिस्टल के बारे में थी कि वो ही उसको मल्टीवर्सल ट्रैवल करवा सकता है। मैं इसकी एंडिंग के बारे में बात करना चाहता कि जब ये जेनेट वगैरह अपने मतलब उसी चेयर से निकले हैं मल्टीवर्सल ट्रैवल करके अपने यूनिवर्स में गए हैं, कि मुझे लग रहा था कि जेनेट को क्या पता कि उनका रियल यूनिवर्स क्या है या उनका यूनिवर्स ही क्या है। लाइक वो चेयर मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सकती है तो वो कैसे एक मतलब उसको कैसे पता था कि ये हमारा यूनिवर्स है। मैं थ्योरी लगा रहा था कि ये अलग यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे और वो एंड पे पता लगेगा। लाइक ये कितना खतरनाक ट्विस्ट होता कि बैठ के फैमिली पूरी इंजॉय कर लिया और वहां पे उनको पता लगता कि वो किसी और ही यूनिवर्स में पहुंच गए हैं। लाइक थ्योरी भी है, मेरी थ्योरी है, और ऐसा होता तो बहुत मजा आ जाता, मगर ये एक थ्योरी बन के रह गई। आगे भी कुछ ना कुछ हो सकता है, मगर जिस तरह मूवी में दिखाया कि वो अपने यूनिवर्स में पहुंच गए हैं, सारे उससे जान भी गए हैं और एंड पे फैमिली बैठ के केक खाती है और वहीं पे मूवी एंड हो जाती है, जो कि मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड था कि हाँ मूवी खत्म। तो हाँ मैं तब से बोली जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोल दिया, इतनी स्पीड में बोलता गया हूँ, बोलता ही गया हूँ। लेकिन मूवी है ही ऐसी, इसके बारे में बहुत ज्यादा वीडियोस बन सकती हैं कि बाकी आप मूवी देख के आपको भी पता लग जाएगा और आप भी कमरे में मुझे बता सकते हो लाइक क्या क्या मजेदार सीन थे। लाइक जब वो एंटमैन के हेलमेट के ऊपर पोम मारता है, जो कि ट्रेलर में भी सीन दिखाया था, लाइक वो सारे फील होते हैं, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। मैंने तो अपनी थ्योरी लगा ली और आप भी अपनी थ्योरी लगाना शुरू कर दो, कमेंट सेक्शन भर दो, इस वीडियो को लाइक शेयर जो भी कर सकते हो कर दो। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।